हाय गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको लेटर हेड एंड विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाया था। अब मैं आपको मैनुअल कलर सेपरेशन सिखा रहा हूँ, इसके अंदर जो प्रिंटिंग में यूज़ होता है, स्क्रीन प्रिंटिंग में मोस्टली यूज़ होता है। देखिए इसको कलर सेपरेट कैसे करते हैं कि पहले फर्स्ट कलर प्रिंटिंग होगा, फिर दूसरा कलर प्रिंट हो जाएगा, तो ये हमारा एक विजिटिंग कार्ड तैयार हो जाएगा। इसी तरह तरीके से जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कलर सेपरेशन, आप और किसी डिज़ाइन में भी कर सकते हैं। चार या पांच कलर के डिज़ाइन में भी आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एक विजिटिंग कार्ड है और ये दो कलर का है। अब हम उसका कलर सेपरेट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको कंट्रोल सी करके एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, पेज फोर, और यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। अब हम एक प्लस का निशान बनाएंगे, कंट्रोल के साथ लाइन नीचे लेकर आइए, फिर इस साइड में क्लिक करिए, कंट्रोल के साथ फिर लाइन लेकर आइए और क्लिक कर दीजिए। कंट्रोल के साथ साथ करने से ये सीधी लाइन आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक प्लस का निशान आ गया। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो लाइन विड्थ है वो 1 पॉइंट कर देंगे कि वो प्रिंटिंग में जो है वो क्लियर दिखाई दे। फिर इसकी ही एक कॉपी ड्रैग करेंगे हम इसे, और इधर लेकर आके राइट क्लिक जब करेंगे तो एक कॉपी आ जाएगी इधर। ये दो प्लस के निशान हमारे आ गए। अब हम पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल सी करेंगे, एक पेज और इंसर्ट करेंगे और उस पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ आएंगे हम पेज फोर पर, पूरे को अनग्रुप कर लेंगे, अनग्रुप ऑल। इसी तरीके से पेज फाइव पे जाकर के इसको भी अनग्रुप कर देंगे, अनग्रुप ऑल। अब पेज फोर पर वापस आएंगे, आप देख रहे हैं। अब हम अनग्रुप ऑल, पेज फोर पर आए हम यहां पर, और इसमें से ये जो गोला देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसको डिलीट कर देंगे। इस ब्लू लाइन को भी डिलीट कर देंगे, ये हमारा कलर सेपरेशन होगा। और उधर से पेज फाइव पे जाकर के हम ग्रे के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब डिलीट कर देंगे, सिर्फ ब्लू रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फॉन्ट है, इसे कन्वर्ट टू अनग्रुप ऑल करेंगे, और पी ग्रे है हमारी हटा देंगे, पॉल आर्ट हमारा ग्रे है इसको भी हटा देंगे, नीचे का भी ये अलग कलर का है ग्रे कलर का, इसको भी हटा देंगे, और ग्रे कलर के जितने भी आर्टिकल हैं वो हटा देंगे हम। ये मोबाइल नंबर भी ग्रे कलर का है, इसको भी हटा देंगे। अब आप देखेंगे पेज फोर पर जो है हमारे ग्रे कलर है, और पेज फाइव पर हमारा ब्लू कलर है। इन दोनों पेजों को अलग अलग प्रिंटिंग प्रिंट आउट कराएंगे, वो भी ब्लैक कलर से। हम ग्रे कलर के सारे आर्टिकल्स जो हैं सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। ये पूरा ब्लैक हो गया, प्रिंटिंग में डार्क आएगा इस वजह से। इसी तरीके से हम ब्लू को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी ब्लैक कर देंगे क्योंकि हमें प्रिंटिंग करानी है, प्रिंट आउट लेने हैं इसके प्रिंटिंग के लिए। देखिए ये ब्लैक हो गया। इस तरीके से ये दो कलर हमारे अलग अलग सेपरेट हो गए मैनुअली। इसके अब आप प्रिंट आउट दे दीजिए। प्रिंटिंग करने वाले गाइस जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने आप इसको सेट कर लेंगे। आपको बताना होगा कि ये कलर ग्रे है, पेन से लिख दीजिए कि कौन सा ग्रे है, कितना 70% ग्रे था ये, और ये ब्लू था, स्काई ब्लू। यहाँ पे हम लिख के भी दे सकते हैं, टेक्स्ट टूल लीजिए,
और यहाँ पे इसका कलर का नाम लिख दीजिए ब्लैक 70%। प्रिंटिंग करने वाले गाइस समझ जाएंगे ब्लैक 70% है। कंट्रोल सी और इसे कंट्रोल भी किया लेकिन ब्लैक 70% नहीं है, ये स्काई ब्लू है। तो यहाँ पर हम इसको पूरे को सेलेक्ट करके स्काई स्काई ब्लू, अब आप देख रहे हैं ब्लैक दिखाई दे रहा है 70% और स्काई ब्लू। इस तरीके से आप इसके प्रिंट आउट निकाल के प्रिंटर को दे सकते हैं, वो प्रिंटिंग कर लेंगे अपने आप। गाइज इस मेरे चैनल आपको कैसा लगा इसके लिए इसको सब्सक्राइब करें और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछें, मैसेज बॉक्स में वो क्वेश्चन डालें जिससे कि मैं आपको जवाब दे सकूं। गाइज मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर कोई कमी लगे तो वो भी बताइए। तब तक के लिए बाय।